यहाँ पर एक तरह से पक्का मोर्चा लगाना, यहाँ पर रुकना, डटना, वो किस तरह से संभव हुआ, वो किस तरह की तैयारियां हुई, किसानों ने किस तरह से किया ये? हम जो रिहाई भी कर देंगे और MSP पे खरीद भी कर लेंगे, आप अपने धरने पे ऐलान कर दें। तो ये झूठे आश्वासन तो हमें भी पता है, सरकार हमेशा लॉलीपॉप देती रहती है। हम सिर्फ एक अनाज को लेंगे, हमारी फसलें जो है वो MSP पे खरीदी जाए, और वो उस MSP पे जो आपने सरकारी कानून बनाया हुआ है, लीगल हिसाब से भी हमारा हक बनता है, तो हम सिर्फ उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप अगर ऐसे लठबाजी करेंगे, बुजुर्गों को चोट मारेंगे, जेलों में डालेंगे, धारा 307 लगाएंगे। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। मेरे साथ BKU की महिला प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा जुड़ चुकी हैं। सुमन, जरा ये बताएं कि यहाँ पीपली में हमने देखा कि बीती रात भी किसान डटे रहे, आप भी डटी रही, तो इस दौरान कितनी के महिलाएं, कितनी किसान महिलाएं वहां पर मौजूद रही और क्या स्थिति यहाँ की? नमस्कार सत्यनीता जी। नमस्ते नमस्ते। यहाँ पे धरना लगा दिया गया है NH पे पीपली में, और यहाँ पे महिलाओं की संख्या अगर आप देखें तो वो 15 के आसपास है, और बाकी पुरुषों की संख्या देखें तो आप अनगिनत युवा और वृद्ध वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये धरना MSP की मांग को लेके था, जैसा कि आपको पता है, सूरजमुखी की MSP की मांग को लेके। और वहाँ अभी सरकार की तरफ से कोई ऐसा लिखित में बयान या किसी अधिकारी ने कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया है कि इस फसल का मुद्दा हम MSP पे खरीद को लेके हल करते हैं। इसीलिए स्थिति जस की तस बनी हुई है और हम सब अभी धरने पे ही मौजूद हैं। जी, तो यहाँ पर एक तरह से पक्का मोर्चा लगाना, यहाँ पर रुकना, डटना, वो किस तरह से संभव हुआ, वो किस तरह की तैयारियां हुई, किसानों ने किस तरह से किया ये? देखिए, पहले जब 6 तारीख को गिरफ्तारियां हुई यहाँ से, उस दिन सिर्फ एक शाहबाद एरिया की कॉल थी, क्योंकि शाहबाद का आसपास का एरिया ही सूरजमुखी होता है। पर जब पगड़ी पे लाठी पड़ती है, किसानों पे लाठी पड़ती है, तो ये सारी किसान कौम एक हो जाती है। तो वही इस बार हुआ, और सारी किसान कौम, चाहे वो किसान सरदारी हो, मजदूर सरदारी हो, हमारी खापे हो, हमारे अन्य संगठन हो, सभी लोग इकट्ठे होके, एकजुट होके बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे। कल जो है रैली नहीं, रैला था, तो वो भीड़ अनाउंसमेंट के बाद कि जहां से झंडे उखाड़े गए थे, झंडे अब वहीं गड़ेंगे, तो हमारे बड़ों ने अनाउंसमेंट की और दोबारा से आके हमने उसी NHH को जाम कर दिया जी। तो अभी, हाँ जी जी, तो इस दौरान पुलिस की ओर से कोई लाठीचार्ज या पुलिस की ओर से किसानों को रोका जा रहा, इस तरह से कुछ नहीं हुआ? नहीं, कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये उस दिन तो जरूर हुआ था, पर कल वाली घटना में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आराम से किसान आकर बैठ गए और जो है वहीं पे पक्का मोर्चा लगा दिया गया है। अब आगे, अभी तक किस तरह का आश्वासन मिला आप लोगों को? गुरनाम चढ़ूनी की गिरफ्तारी, दूसरे किसान नेताओं की गिरफ्तारी हुई, उनकी रिहाई को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है अभी तक? देखिए, कल प्रशासन की तरफ से पहल हुई थी, 2-3 बार बातचीत भी हुई। वो कह रहे हैं ठीक है, हम अपनी मांगे, आपकी मांगे मान लेंगे, पर उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया जा रहा है। 2-3 बार बुलाने के बाद भी, बातचीत होने के बाद भी, वो ना तो कहीं हमें रिटर्न में दे रहे हैं, ना ही कोई उनका अधिकारी आके उस बयान की पुष्टि कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम जो रिहाई भी कर देंगे और MSP पे खरीद भी कर लेंगे, आप अपने धरने पे ऐलान कर दें। तो ये झूठे आश्वासन तो हमें भी पता है, सरकार हमेशा लॉलीपॉप देती रहती है। तो हम लोग तब तक डटे हुए हैं जब तक वहां से कोई आधिकारिक पुष्टि इस बयान की नहीं हो जाती। चाहे कितने ही दिन लग जाएं, चाहे हफ्ता लग जाए, एक महीना लग जाए, यहीं पर ही डटे रहेंगे, तय कर चुके आप लोग? जी बिल्कुल, ये बातें मान सम्मान की हैं। आज इन्होंने एक किसान नेता के गिरेबान पे हाथ डाला है, कल ये दूसरे पे डालेंगे और परसों तीसरे पे डालेंगे, तो ये हम कैसे होने देंगे? हम कोई किसी भ्रष्टाचार की भ्रष्टाचारी सिस्टम कोई नहीं कर रहे हैं, हम कोई गलत हरकत नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक अनाज को लेके, हमारी फसलें जो है वो MSP पे खरीदी जाए, और वो उस MSP पे जो आपने सरकारी कानून बनाया हुआ है, लीगल हिसाब से भी हमारा हक बनता है, तो हम सिर्फ उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप अगर ऐसे लठबाजी करेंगे, बुजुर्गों को चोट मारेंगे, जेलों में डालेंगे, धारा 307 लगाएंगे, जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, तो हमें
अत्याचार के खिलाफ देखिए भगत सिंह तो बनना पड़ेगा। अगर ऐसे ही हम घरों में चुप होके बैठ गए और इनके अत्याचार सहे तो कल को तो ये जीने ही नहीं देंगे हमें। जैसे मैं BQU में देखती हूँ या SKM में देखती हूँ तो महिलाओं की संख्या बहुत कम है और प्रदेश अध्यक्ष या फिर अध्यक्ष जैसे पदों पर तो बहुत ही कम है। रणनीतिकार या निर्णायक मंडली में महिलाएं बहुत कम शामिल होती हैं। आपका यहाँ अनुभव किस तरह का रहता है धरनों में, आंदोलनों में, क्योंकि हम देखते हैं कि शायद अकेली ही महिला आप ही नजर आती हैं हमें। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए महिलाओं को घर भी देखना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं और ये चैलेंज भी उनके साथ है कि वो बाहर भी फील्ड में भी डटी हुई है। मेरा अनुभव अच्छा रहा है सोनिया, इसमें मैं हर मोर्चे पे हर जो भी धरना लगा है वहाँ कमेटियों में मौजूद रही हूँ और आज भी देखेंगे कि जब गुरनाम जी नहीं है तो हम लोग ही इस चीज को टोटली डील कर रहे हैं, तो सभी सहयोगियों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है।